थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर डो को एक दफ़ा नीट करेंगे, क्योंकि अभी डो जितनी सॉफ्ट है इसकी हम रोटी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही है इस टाइम पे। बस थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे कि डो जो है थोड़ी सी फॉर्म हो जाए। डो को मैंने अच्छी तरह से देखें नीट कर लिया है। अब ये बहुत स्टिकी नहीं है, हमें डो सॉफ्ट ही चाहिए है, बहुत इसे हम ड्राई नहीं करेंगे। ये जितनी इस पोजीशन पे है ये बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में रखने के बाद अब हम इसके स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। जितने साइज़ की आपको पीटा ब्रेड बनानी है उतने साइज़ का बॉल बना लें, और नॉर्मल रोटी जिस तरह से हम बेलते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगा कर उस तरीके से हम इसकी नॉर्मल रोटी बेल लेंगे। एक साइड पे हमने पैन रख दिया है गरम करने के लिए। अच्छा, रोटी की थिकनेस आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, अगर तो थिक रोटी होगी तो रोटी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैवी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसकी थिकनेस उतनी ही रखी है जितनी हम नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं। पैन को मैंने गरम कर लिया है, अब इसके ऊपर हम ये रोटी डाल रहे हैं। जब इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से बबल आने लगेंगे तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। आप देख सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल जो बबल्स हैं इसके ऊपर आने शुरू हो गए हैं। अब हम बहुत ध्यान से इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे। पहले हमें फ्लेम को स्लो रखना है, लेकिन जैसे ही हम रोटी को फ्लिप करेंगे तो उसके वक्त हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। और आप स्पून की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इसको कॉर्नर से प्रेस करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि ये राइस होती जाएगी, रोटी जो है वो बहुत अच्छी सी फूल जाएगी और इसके अंदर से पूरी पॉकेट अच्छे तरीके से ओपन हो सकेगी। कॉर्नर्स को देखें जिस तरीके से मैं दबा रही हूँ, बहुत आराम से आहिस्ता से इसको आप दबाएंगे तभी रोटी जो है वो बहुत अच्छी सी राइस होगी। बहुत सॉफ्ट बनती है ये रोटी और बहुत मज़े की बनती है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, जल्दी रेडी हो जाती है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो कितनी अच्छी जो है वो राइस की है। अब ये बिल्कुल रेडी है, इसी तरीके से हम सभी रोटी जो है वो रेडी कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, पीटा ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे चाहें तो शवारमा के साथ सर्व करें, हुमस के साथ सर्व करें, ग्रिल के साथ सर्व करें, ये हर चीज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है। आई होप सो कि आपको ये पीटा ब्रेड जो है वो अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।